हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। गाइस आज की लेक्चर में हम लोग किसी टॉपिक की बात नहीं करने वाले प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने फर्स्ट भाग जो फिजिक्स का था वो पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ भाग और बचे हैं जो न्यूमेरिकल के रूप में आएंगे आपके। तो काफी बच्चों का ये मानना था, काफी बच्चों का ये पूछना था कि सर जी कौन सा टॉपिक कटा है, कौन सी टॉपिक पढ़ना है या कहां से जो है हमारे एग्जाम में नंबर आने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो आज हम उन्हीं सभी की बात करने वाले हैं, अर्थात आज हम उस 70% सिलेबस के बारे में बात करेंगे जो कि कोरोना काल से जो है 30% काट के हटा दिया गया था यूपी बोर्ड के सिलेबस से। तो आज हम उन्हीं 70% सिलेबस के बारे में बात करने वाले प्यारे बच्चों। उनकी चर्चा करने से पहले, 70% सिलेबस को समझने से पहले और एक एक चैप्टर से कितने नंबर आने वाले प्यारे बच्चों, कौन सी टॉपिक आपको तैयार करनी है, उन सब की चर्चा करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ये वाला वीडियो तो जबरदस्त शेयर कीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए तो हम देखते हैं कि आज हमारे जो सबसे फिजिक्स की जो फर्स्ट भाग है उसमें 5 यूनिट बनाई गई है। सबसे पहली यूनिट में रखी गई है स्थिर विद्युत की, यानी फर्स्ट भाग में हमको स्थिर विद्युत की पढ़ना है, जो कि हमने सारा वीडियो एक तरफ से एक तरफ तक पूरा 100% अपना देने का प्रयास किया प्यारे बच्चों। अब उनमें से कौन सी टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी टॉपिक आपको पढ़ना है। तो चलिए आपको स्क्रीन पे फर्स्ट चैप्टर का कौन से टॉपिक या कौन सी हेडिंग पढ़नी थी वो आपको दिखाई पड़ने लगा होगा। तो गाइज आपकी जो स्थिर विद्युत की चैप्टर है उससे आपको पूरे 7 अंक आपके बोर्ड में पूछता है। कितना प्यारे बच्चों, पूरे 7 नंबर का एग्जाम में यहां से प्रश्न उठता है यदि आपने पहला चैप्टर तैयार कर लिया। ठीक, अब पहले चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है वो ध्यान देना है। सबसे पहली आपको विद्युत आवेश पढ़ना है, इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ना प्यारे बच्चों, फिर उसके बाद आवेश का संचरण पढ़ना है, फिर कूलाम का नियम, दो बिंदु आवेशों के बीच बल, बहुल आवेशों के बीच बल, अध्यारोपण का सिद्धांत तथा सतत आवेश वितरण, यानी इन टॉपिकों का अध्ययन आपको फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में करने हैं। उसके बाद विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, फिर विद्युत बल रेखाएं, विद्युत द्विध्रुव व द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बलाघूर्ण अर्थात विद्युत फ्लक्स, इन सब का अध्ययन आपको फर्स्ट ही चैप्टर में करना है प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद सेकेंड चैप्टर भी मिला के फर्स्ट यूनिट में कर दी गई है। अब सेकेंड चैप्टर में क्या आपकी पहली रीडिंग आती है, सबसे पहली टॉपिक आपको पढ़ना है गॉस का नियम। क्या पढ़ना प्यारे बच्चों, गॉस का नियम पढ़ना है। फिर उसके बाद गॉस के नियम के अनुप्रयोग आते हैं, 3-4 ठो करके अनुप्रयोग भी होंगे, तो उसमें से कौन कौन सा अनुप्रयोग पढ़ना प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा। अनंत लंबाई के एक समान सीधे आवेशित तार के एक समान आवेशित अनंत समतल चादर, मतलब आप कहेंगे सर मुझे कुछ चीजें इसमें समझ नहीं आया, आपको प्यारे बच्चों गॉस के नियम के अनुप्रयोग में, गॉस के नियम के अनुप्रयोग में आपके इंटर वाले जो सिलेबस है वहां पर 2-3 अनुप्रयोग पढ़ाया गया है। तो आपको पढ़ना कौन कौन सा है, एक पढ़ना है अनंत लंबाई के कारण या अनंत लंबाई वाले तार के कारण जो चुंबक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है वो आपको पढ़ना है प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद जो आपकी सेकेंड पोर्शन है इसी में वो आपको पढ़ना है समतल चादर के कारण। कौन सा पढ़ना प्यारे बच्चों, समतल चादर के कारण, किसके कारण, समतल चादर के कारण। तो प्यारे बच्चों ये आपकी 2 हो गए। फिर उसके बाद थर्ड आपका था खोखले गोले के कारण, कुछ ऐसे करके था खोखले आवेशित गोले के कारण। तो बात कर ले जो आपका आपके मन में विचार चल रहा था कि कौन सा कटा है कौन सा नहीं कटा है प्यारे बच्चों, तो काफी लोगों ने कहा कि फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारी चीजें काट दी गई हैं, कुछ भी नहीं प्यारे बच्चों, केवल केवल गॉस के नियम के अनुप्रयोग में
केवल ये वाली हेडिंग कटी है, इस हेडिंग को आपको यूपी बोर्ड के इस सिलेबस के जो 70% सिलेबस है उसके दौरान ये वाली हेडिंग आपको नहीं पढ़ना है प्यारे बच्चों। और मैंने इस हेडिंग को भी पढ़ा के रखा है क्योंकि हम लोग एक केवल एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं प्यारे बच्चों, एक न्यू होनी चाहिए, एक मजबूत बेस होना चाहिए, उसके लिए सारी चीजें आपको पढ़ाई गई है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है प्यारे बच्चों कि आपको क्या करना है। तो हम बता दिए कि फर्स्ट चैप्टर में आपका खोखले आवेशित जो गोला है के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, बाहर अंदर पृष्ठ पर जो भी तीनों स्थितियां होंगी, यही आपको टॉपिक वहां पर नहीं पढ़ना है इस सत्र, यही से आपके क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछे जाने वाले हैं। आगे फिर आगे क्या कर रहा है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत ध्रुव आवेश के निकाय के कारण वैद्युत विभव, सम विभव पृष्ठ पढ़ना है प्यारे बच्चों, फिर दो बिंदु आवेशों के निकाय तथा वैद्युत ध्रुव की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यह भी मैंने पढ़ाया है, फिर चालक पढ़ना है, विद्युत रोधी पढ़ना है, किसी चालक के भीतर मुक्त आवेश तथा बद्ध आवेश पढ़ना है, फिर परा वैद्युत पदार्थ पढ़ना है, वैद्युत ध्रुवण पढ़ना है, फिर संधारित्र पढ़नी है तथा साथ साथ में श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन पढ़ना है, फिर उसके बाद पट्टिकाओं के बीच परावैद्युत माध्यम होने या न होने पर किसी समांतर पट्टिका की संधारित्र और संधारित्र में संचित ऊर्जा। प्यारे बच्चों ये जो तीन अभी लास्ट में मैंने बोला एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, आपको ये आना चाहिए। और मैंने इतनी आसान भाषा से बता के रखा है, इतनी आसान भाषा से बता के रखा है कि आप उसको केवल एक बार ध्यान लगा के देखिए तो आप कहीं भी नहीं भूलने वाले हैं। कौन कौन सी एक बार फिर से करें, पट्टिकाओं के बीच पराम वैद्युत पदार्थ भरने पर क्या धारिता होती है तब आपको ध्यान देना है, और पट्टिकाओं के बीच कोई पराम वैद्युत पदार्थ न भरा हो तब धारिता क्या होती है, ये दोनों चीजें और साथ साथ में संधारित्र में संचित ऊर्जा, ये तीनों हेडिंगे इस चैप्टर की बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंगे। तो और सारी महत्वपूर्ण थी परंतु यहां से श्योर 100% है कि यहां से एक क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है। तो प्यारे बच्चों फर्स्ट यूनिट में केवल आपको इन्हीं टॉपिकों का अध्ययन करना है। अब हम केवल बात करते हैं कि फर्स्ट यूनिट में कौन से टॉपिक का हमको अध्ययन नहीं करना है। तो प्यारे बच्चों जो फर्स्ट यूनिट में जो टॉपिक कार्ड दी गई है चर्चा तो मैंने पहले ही कर लिया है, परंतु वो आपको स्क्रीन पे अब लिख के दिखाई पड़ रहा होगा कि आखिर कौन सा नहीं पढ़ना है, तो वो केवल एक टॉपिक है, एक समान आवेशित पतले गोलीय कोष के कारण भीतर तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है गॉस के नियम के अनुप्रयोग में, यही टॉपिक आपको फर्स्ट यूनिट में नहीं पढ़नी है। बात क्लियर हुई। अब हम चर्चा करेंगे सेकंड यूनिट की, किसकी चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों, सेकंड यूनिट की। आइए बात करते हैं सेकंड यूनिट में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों सेकंड यूनिट जो रहने वाला है वो आपका विद्युत धारा है, सेकंड यूनिट आपकी विद्युत धारा है। अब उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, ये चैप्टर पहले चैप्टर की तुलना में काफी छोटा है। विद्युत धारा पढ़ना है, धात्विक चालक में वैद्युत आवेश का प्रवाह पढ़ना है, फिर अपवाह वेग पढ़ना प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग अपवाह वेग, फिर उसके बाद गतिशीलता तथा इनका विद्युत धारा में संबंध, उसके बाद ओम का नियम, फिर वैद्युत प्रतिरोध वीआई अभिलाक्षणिक वक्र, ये भी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, फिर उसके बाद विद्युत ऊर्जा और शक्ति, वैद्युत प्रतिरोधकता, चालकता, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, सेलो का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का विद्युत वाहक बल, विभवांतर, सेलो का श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन प्यारे बच्चों, किरचॉफ के नियम और इनके अनुप्रयोग, व्हीटस्टोन से तो मीटर से तो इस, उसके बाद विभव मापी का सिद्धांत, फिर विभव मापी एवं दो सेलो के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना प्यारे बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ, तो मैंने ये भी पढ़ा के रखा है। फिर उसके बाद इनका प्रयोग किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की माप, यानी
मापी की सहायता से किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों। इसी के साथ दूसरा वाली जो यूनिट है आपकी समाप्त होती है प्यारे बच्चों। अब आपके मन में फिर प्रश्न उठा कि दूसरे यूनिट में सार जी ने तो पूरा के पूरा बता डाला, मुझे क्या नहीं पढ़ना है। भाई एक मिनट सब्र कीजिए, इतनी बातें क्लियर हुई कि आपको सेकेंड चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, अब क्या नहीं पढ़ना है वो ध्यान दीजिए आप। अब आपको बताएं सेकेंड चैप्टर में केवल दो टॉपिक को नहीं पढ़ना है, एक मैंने पढ़ाया होगा कार्बन प्रतिरोधों के लिए वर्णक कोड, अर्थात जो मैंने कार्बन प्रतिरोध के लिए वर्णक कोड पढ़ा के रखा प्यारे बच्चों, एग्जाम के दृष्टि से जो है आपके कंपटीशनल एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो चीज, परंतु आपके इस बार था ये 70% सिलेबस के अंतर्गत नहीं आते हैं तो आप इसको नहीं पढ़ सकते प्यारे बच्चों। फिर आगे उसी में कह रहा प्रतिरोधों का श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन, यही दो टॉपिक, एक प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन समांतर क्रम संयोजन आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, और एक कार्बन वर्ण प्रतिरोध कार्बन प्रतिरोधों का वर्ण संकेत, यही दो टॉपिक सेकंड यूनिट में आपको नहीं तैयार करने हैं। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? अब हम चर्चा करेंगे थर्ड यूनिट की, क्या अर्थात थर्ड यूनिट में आपको क्या पढ़ना प्यारे। अब हम देखते हैं थर्ड यूनिट में क्या क्या पढ़ना क्या क्या नहीं पढ़ना। थर्ड यूनिट का आपका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व, जो कि अब इसमें क्या क्या पढ़ना ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना पढ़ना है, ओरेस्टेड का प्रयोग है, बायोसेवर्ट नियम है, धारावाही लूप में इसका अनुप्रयोग, फिर एम्पियर का नियम, फिर अनंत लंबाई के सीधे तार तथा वृत्ताकार कुंडली का अनुप्रयोग, मतलब एम्पियर के नियम में दो अनुप्रयोग आ गए। फिर उसके बाद कर रहा है विद्युत क्षेत्र में आवेश पर बल, यानी विद्युत क्षेत्र में कोई गतिमान आवेश जब प्रवाहित करता है तो उस समय क्या बल होगा वो भी पढ़ना, साथ साथ में प्यारे बच्चों एम्पियर की परिभाषा, फिर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप के द्वारा बल आघूर्ण का अनुभव ये भी पढ़ना, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, फिर उसके बाद इसकी धारा सुग्राहिता, फिर अमीटर पढ़ना था बोल्ट मीटर में रूपांतरण, अमीटर का बोल्ट मीटर में रूपांतरण भी पढ़ना प्यारे बच्चों, फिर उसके बाद चुंबकीय द्विध्रुव के लूप में तथा इसकी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी पढ़ने हैं प्यारे बच्चों, फिर किसी परिभ्रमण करते इलेक्ट्रॉन तथा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कोई परिभ्रमण करता हुआ इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी पढ़ना है, फिर प्रणालिका के रूप में छड़ चुंबक पढ़ना है, फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तथा पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र पढ़ना है। ये सारी चीजें आपको एक एक चैप्टर वाइज करके पढ़ाई गई, ठीक, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो ये थर्ड यूनिट रहा, अब आपको थर्ड यूनिट में क्या नहीं पढ़ना है प्यारे बच्चों उसकी बात कर लेते हैं। थर्ड यूनिट में क्या नहीं पढ़ना है, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अच्छी और निरच्छी स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, यानी ये नहीं पढ़ना है आपको। फिर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय छड़ पर बल आघूर्ण, ये भी नहीं पढ़ना है। फिर चुंबकीय अवयवों में प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, इनके जो उदाहरण है ये सब सारी चीजें नहीं पढ़नी है आपको। फिर उसके बाद विद्युत चुंबक नहीं पढ़ना प्यारे बच्चों। उसके बाद एक लास्ट और आता है विद्युत चुंबक को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं साथ साथ में अस्थायी चुंबक, इन सबको आपको नहीं पढ़ना प्यारे बच्चों। और हम आपको बता दें ये भी जो चैप्टर है ना आपको आपको 8 नंबर देके जाने वाला प्यारे बच्चों। अब हम बात करेंगे फोर्थ यूनिट की, यानी चौथा यूनिट आपकी क्या है। चौथी यूनिट है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। अब हम इस चैप्टर में आने जो टॉपिक है हम उन टॉपिकों का चर्चा करते हैं कि आखिर क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है बता दे रहे हैं। तो इसमें आपको वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ना है, फैराडे के नियम पढ़ने हैं, प्रेरित धारा पढ़ना है प्यारे बच्चों, फिर लेंज के नियम पढ़ने हैं, फिर भंवर धाराएं पढ़ना है, फिर स्वप्रेरण जिसे सेल्फ इंडक्शन आप कहते हैं, फिर उसके बाद अननोन प्रेरण पढ़ना है, फिर प्रत्यावर्ती धारा पढ़ने हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के शिखर मान, वर्ग माध्य मूल मान, धारा का वर्ग माध्य मूल मान, ये सब सारी चीजें क्लियर करनी प्यारे बच्चों। और एक बात ध्यान दीजिएगा प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान होता है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप स्टार लगा सकते हैं, नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। 100% गारंटी है कि ये क्वेश्चन आपके इस बार एग्जाम में पूछा जाने वाला है। फिर आगे क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा। फिर उसके बाद प्रतिबाधा पढ़ना है, फिर प्रतिबाधा कौन से परिपथ में पढ़ना उसकी चर्चा, एलसी परिपथ, एसी परिपथ, आरसी परिपथ, उसके बाद एलसीआर परिपथ में जो है वो भी पढ़ना है, साथ साथ में अनुनाद परिपथ भी पढ़ने हैं प्यारे बच्चों।
अनुनाद और एलसीआर ये भी एकदम 100% इंपॉर्टेंट, यानी कह लिया जाए इसको 100 में आप 100 मार्क दे सकते हैं, आने की गारंटी है इसकी। आपको इसमें क्या नहीं पढ़ना उसकी उस पे नजर डालते हैं हम। भैया जो नहीं पढ़ने हैं ना उसके केवल दो चीजें हैं, एक शक्ति गुणांक है, एक वातहीन धारा है। एक शक्ति गुणांक है प्यारे बच्चों और एक वातहीन धारा है, जो कि इस बार 70% सिलेबस के अंतर्गत इसको नहीं पढ़ना है। अब हम फर्स्ट भाग की लास्ट यूनिट की चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों। लास्ट यूनिट है विद्युत चुंबकीय तरंगे, जो कि अभी कुछ ही समय पहले समाप्त हुआ है ये चैप्टर। क्या है इसमें? वैद्युत चुंबकीय तरंगे पढ़ना है, फिर इनके अभिलक्षण पढ़ना है जो कि आपको बता दिया गया प्यारे बच्चों, फिर प्रकाशिक, हाँ उसके बाद क्या है, सॉरी प्रकाशिक नहीं, हाँ फिर उसके बाद वैद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति पढ़ना है, वो भी आपको बता दिया गया है प्यारे बच्चों। फिर वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पढ़ना, अर्थात वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम भी आपके टॉपिक में है। फिर आगे इसमें क्या करा है आपको, इसमें कौन कौन सी तरंगे पढ़नी है, रेडियो तरंगे और सूक्ष्म तरंगे, इन दो तरंगों को भी पढ़ना है। फिर अवरक्त दृश्य, उसके साथ पराबैंगनी, फिर गामा किरण, फिर इनका उपयोग और इनका उपयोग भी पढ़ना है प्यारे बच्चों। ठीक, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, पराबैंगनी और एक्स गामा किरणें, उसके बाद रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, इन तरंगों का जो है आपको उपयोग भी पढ़ना है। अर्थात अब आपकी जो केवल केवल प्यारे बच्चों जो आपका अध्याय 5 है या यूनिट 5 है, उनमें से केवल केवल एक चीज हटाया गया प्यारे बच्चों, विस्थापन धारा की आवश्यकता। अर्थात विस्थापन धारा की आवश्यकता क्यों हुई, ये हमको इसकी इसमें नहीं पढ़ने प्यारे बच्चों। इसी के साथ आपको फर्स्ट भाग के फिजिक्स में क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें अपनी तरह से पूर्ण रूप से क्लियर कर दिए हैं प्यारे बच्चों। और आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या कहाँ से पढ़ें और कैसा तैयारी करें कि एग्जाम में हमारे जो मार्क्स हैं बहुत अच्छे बने और बहुत अच्छे प्राप्त करें प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास में केवल हम फर्स्ट फिजिक्स की ही बात करने वाले हैं, सेकेंड फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे कि क्या पढ़ने हैं क्या नहीं पढ़ने प्यारे बच्चों। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा कि जिन दोस्तों को ये चीजें नहीं पता है, वो भ्रम में है क्या पढ़ने हैं क्या नहीं पढ़ने हैं, उन सभी लोगों को पता चल जाए प्यारे बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू ऑल स्टूडेंट।